दोस्तों वैसे तो बड़ी खबर यही है कि ईशान किशन ने अपना नाम वापस ले लिया टेस्ट सीरीज से, यानी कि जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर से शुरू होना है, उस पूरी टेस्ट सीरीज से ईशान किशन ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है और बीसीसीआई ने तुरंत ही रिप्लेसमेंट को भी अनाउंस कर दिया। अब रिप्लेसमेंट है केएस भरत। अब कैसा तो नहीं है कि केएस भरत पहली बार भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने जो मार्च 2023 में हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हुई थी, भारत में ही जो हुई थी, उसमें रिप्रेजेंट किया था भारत को और चारों के चारों टेस्ट मुकाबले भी खेले थे केएस भरत ने, पर लेकिन कुछ इनकंसिस्टेंट ही परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। पर लेकिन मुद्दा केएस भरत नहीं है, मुद्दा है ईशान किशन और उनकी विकेट कीपिंग। अब सबसे बड़ी चीज तो दोस्तों यही आती है कि जो पांच मैचों की टी20 सीरीज थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें शुरुआत के तीन मुकाबले तो ईशान किशन ने खेले ही थे, उनमें से दो मुकाबलों में अर्धशतक किया था ईशान किशन ने। पर लेकिन अगर आप देखें तो चौथे और पांचवें टी20 में ईशान किशन को जगह नहीं दी गई थी और बीसीसीआई ने बताया था कि ईशान किशन रेस्ट पे चले गए हैं, उनको घर भेज दिया गया। अब जो है वो असली में यही हुआ था कि उनको खुद ईशान किशन को रेस्ट चाहिए था कि या बीसीसीआई ने या टीम मैनेजमेंट ने उनको भेज दिया, क्योंकि जितेश शर्मा को मौका देना था चौथे और पांचवें टी20 में। और कहीं ना कहीं जो ईशान किशन ने वजह बताई है बीसीसीआई को, वो ये बताई कि पर्सनल रीजंस की वजह से वो विड्रॉ कर रहे हैं टेस्ट सीरीज से और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो होने वाली है। पर लेकिन एक और चीज की तरफ देखें तो केएल राहुल बतौर विकेट कीपर आजकल बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और खुद बयान भी दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो केएल राहुल की, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो चाहूंगा कि मैं विकेट कीपर में, यानी कि विकेट कीपर की भूमिका निभाऊं, मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करूं और टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट में अगर मुझे कप्तान और मैनेजमेंट समझती है तो मैं वहां पर भी मिडल ऑर्डर में जो है बल्लेबाजी भी करना चाहूंगा और विकेट कीपर की भूमिका भी निभाना चाहूंगा। अब एक और आप कड़ी जोड़ लीजिए, एक तो केएल राहुल वाली और एक जो पांच मैचों की टी20 सीरीज हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया वाली, दो कड़ियां जोड़ लीजिए दोस्तों। अब दो कड़ी जोड़कर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ईशान किशन फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कि फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपना नाम जो टेस्ट सीरीज से वापस ले लिया। पर्सनल रीजंस तो होगा कुछ ना कुछ, वो अलग बात है, पर लेकिन हम जो कड़ी जोड़ रहे हैं वो ये जोड़ रहे हैं कि कहीं फ्रस्ट्रेशन से तो नहीं वापस ले लिया ईशान किशन ने, क्योंकि उनको पहले तो शुरुआत में स्क्वाड में रखा जाता है कितने टाइम तक, फिर उनको जो है एकदम से प्लेइंग 11 में जगह मिलनी बंद हो जाती है, यानी कि एशिया कप में कुछ एक आध मुकाबले में मिली, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के शुरुआती कुछ एक दो मुकाबले में मिली जब तक शुभमन गिल नहीं थे, ओपनिंग करवाई गई, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो फिर पूरे वर्ल्ड कप उनको जगह नहीं मिली, स्क्वाड में रखा, फिर उसके बाद वो जब पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें से तीन मुकाबलों में जगह मिली, तो उसके बाद एकदम से चौथे और पांचवें मुकाबले में जितेश शर्मा को लेकर आ गए और अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना नाम, तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है ईशान किशन के, क्योंकि अब केएल राहुल को ही कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में विकेटकीपर बल्लेबाज लंबे फॉर्मेट में, और केएल राहुल ने इस बात की अपने साथ अपने हिसाब से इंटरेस्ट भी दिखाया है। अब अपनी राय दोस्तों इस बारे में जरूर दें कि क्या ये सच में फ्रस्ट्रेशन है कि या पर्सनल रीजन है ईशान किशन के। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।